अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। चैनल पे एक दफ़ा से फिर खुश आमदीद, और इस दफ़ा मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत बड़े शो के साथ। और इस शो में, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में भी और टाइटल में भी, मेरे साथ हैं मेरे दो जिगर्स। पहले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े फूड व्लॉगर और एडवेंचरस ट्रैवल व्लॉगर, साथ में टेक रिव्यूअर भी, और इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर और व्लॉगर राना हमजा सैफ। और दूसरी जानिब है मेरे साथ राना फरहान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, माशाल्लाह वेब डेवलपिंग का काम कर रहे हैं। सो हम तीनों ने मिलके एक डिसाइड किया कि हम आपके साथ जो है ना वो एक शो करें। और इस शो में बेसिकली ये एक गेम है जिसको कसोटी कहा जाता है। पुराने वक्तों में पीटीवी पे ये आता होता था, और फिर उसके बाद आस्ता 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 ये ख़त्म हो गया। कुरैशपुर साहब, ज़िया मोहियुद्दीन और ये सारे के सारे जो है ना ये शो किया करते थे। सो हम जब दोस्त सारे के सारे आपस में बैठते हैं तो हम बेसिकली ये गेम जो है ना वो खेलते हैं। और होता क्या है इसमें कि एक बंदा एक पर्सनैलिटी चूज़ कर और बाकी दो जो है ना वो उसको विद इन 20 क्वेश्चन जो है ना वो उसको गेस करते हैं। तो बड़ा हमें तो बड़ा मज़ा आता है ये खेलने का, तो सोचा कि चलें आपके साथ भी ये करें और वेलकम करें मेरे इन दोनों जिगर्स को मेरे चैनल पे, क्योंकि इनका जो है वो यहाँ पे मेरे चैनल पे डेब्यू है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये स्टार्ट किया है मुसलसल ये दोनों जो है ना वो मेरे साथ हैं, और इनकी प्रॉपर सपोर्ट जो है ना वो मेरे साथ है, बंटी की भी और हमजा की भी। सो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। टाइम जाया किए बगैर जनाब शुरू करते हैं आज की गेम। सो होता क्या है कि बेसिकली कि मैं कोई भी पर्सनालिटी जो है ना वो चूज़ करूँगा, और उसके बाद जो है ये दोनों साहिबान हैं ये विद इन 20 क्वेश्चन जो है ना वो उसको गेस करेंगे। और रूल्स इसके ये हैं कि ये मैं जस्ट यस और नो में आंसर करूँगा, और इनको एक दफ़ा ही गेस करना है, इनको एक ही दफ़ा जो है ना वो जवाब देना है। और अगर वो सातवें क्वेश्चन पे जवाब दे दे, चाहे चौदहवें पे चाहे बीसवें पे, 20 क्वेश्चन पूरे होने के बाद इनको वो आंसर करना ही करना है। सो बंदा कौन सा चूज किया आपने? सो शख्सियत जी, ठीक हो गया। सवाल मैंने पूछ लिया था, आप दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। पहले बताएं कि ये कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। चलिए एक सवाल कर लें आप, 20 की जगह। यार इतने मुअज्जब नहीं होना, कर लें यार, इस तरह नहीं, हम थोड़ा सा ओपन माइक दिया जाए। बिल्कुल ओपन माइक है आपके पास, आप हाँ चलिए। पहला सवाल, मेल फीमेल? मेल है। ठीक है। जिंदा? जिंदा नहीं। बहुत बस हो गई गेम फर्क। अच्छा जी, दो सवाल हमारे हो गए, मेल है और जिंदा नहीं है। ठीक हो गया। एरिया पे आ? अच्छा, एरिया पे आए या पहले प्रोफेशन और उस चीज़ पे? एरिया देख लेना, वो फिर प्रोफेशन स्पेसिफिक हो जाएगा। चलो, पाकिस्तान से? पाकिस्तान से जी भाई, पाकिस्तान। अब पूछो पाकिस्तान वफात को कितना टाइम हुआ उसको, पहले उस पे आते हैं ना कि है कौन, वो हाँ। तो ज़रा नैरो डाउन करें ना उस चीज़ को। अच्छा, ये इनका ताल्लुक जो है वो हाँ एंटरटेनमेंट से? नो, स्पोर्ट्स। आगे पूछो। स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स नो। पॉलिटिकल होगा? नहीं, फिर पीछे कर आगे। अच्छा, स्पोर्ट्स भी नहीं है और एंटरटेनमेंट भी नहीं है। फोर्सेस हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई शायर, कोई शायराना, लिटरेचर में आ जाएगा सारा, लिटरेचर में आएगा। एजुकेशन टाइप फील्ड से आगे कोई ताल्लुक है? नो नो। अब आ जाओ भाई, ये एजुकेशन और लिटरेचर और सब निकल, एजुकेशन से ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है, तालीम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। भाई पढ़े हुए ना कि कोई नहीं, ये सवाल नहीं इसमें, ये सिर्फ मरे हुए वाला नाम तो सारा मेरे भी जा रहा था। अच्छा हाँ। अच्छा, डेड मैन फोर्सेस से ताल्लुक है? जी हाँ जी, आओ फोर्सेस। ठीक हो गया जी, ये अब
आर्मी पुलिस हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जो मैंने एक वो नहीं चौधरी असलम करवाया उसके साथ एक और भी बताया था मैंने। अच्छा फोर्सेस में है जनाब अली। सेवन क्वेश्चंस हो गए जी आपके। अच्छा डेड भी यार ये कहीं एमएम आलम टाइप कोई बंदा ना हो। पाकिस्तान के लिए तो बड़ा कारनामा था सर अंजाम दिया। रुक जा हाँ एक मिनट। अच्छा लिख ले जो तू सोच रहा है ना अपने पास ये पेपर ये कोई नहीं ऑप्शन क्या है 2 3 4 5 6 7 सवाल है टेंशन नहीं है तो आप डिस्कस कर सकते हैं वो कोई मसला नहीं हम करेंगे। अच्छा इनकी वफात जो है वो 1990 से कहीं पहले हुई है। 1990 से पहले जी यार जो आज करने वाला हमारे पैदा होने से पहले का बंदा ले आया यार तू अपना बात करे तू ही कह ले ठीक हो गया 90 से पहले डेथ एक एक करके पूछने लग जाते हैं राशिद बनाज मेजर जीत बट्टी फलाना अपने बस बाल बाल नाम तूने ले लिया लेकिन वो अभी हम आते हैं जरा उसके ऊपर। हाँ नामा तो सर अंजाम दिया ही होगा लाजमी बात अगर ना दिया तो फिर तो ये पूछने वाला सवाल हमने करना शख्सियत बनती नहीं पूछने वाली। सितारे इम्तियाज मिला हुआ सितारा इम्तियाज सच करने जो सर नहीं मिला पक्की बात आ रहा है इम्तियाज दूसरा सितारा कोई ना अवार्ड अवार्ड बड़े हैं मैंने स्पेसिफिकली इम्तियाज पूछ लिया मैंने गलती क्योंकि तुझे पता सिर्फ इम्तियाज का ही नहीं नहीं सतारा जरूरत। अच्छा इनका ताल्लुक आर्मी से था मेनली जी जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स अलग है आर्मी में आ गया जी आर्मी सिर्फ आर्मी आर्मी नहीं ना माशाल्लाह वाली कोई फिल्म रही है ये ये उसमें आर्मी में नहीं है ये परवेज ये उसमें एयरफोर्स परवेज में शर्म तो जिंदा है परवेज में शर्म जिंदा यार वो भी जहाज में मार दिया मार दिया इजीली ऊंची ऊंची डिस्कस कर सकते हैं पूछे जिसको जहाज में मार दिया था नहीं तो सवाल नहीं सोच ना कोई सोच ये मैंने ही बताया नहीं यार तूने ये सारे अजीज भट्टी भी कर लिया अजीज भट्टी तो मैंने ही बताया वो है नहीं ना ये पूछ के इन पे कोई ड्रामा वगैरह टाइप चीज बनी किस पे बनी अजीज भट्टी पे अजीज भट्टी और भी एक दो में बनी मेजर वो भी मैंने लिखा है आपने नहीं बताया वो भी सोच लेंगे पूछ ना पूछ इन पे कोई किताब या ड्रामा वगैरह लिखा बना एक चीज पूछ यार मतलब ये इनकी शोहरत पे या इनकी चीज पे कोई छाया हुई है चीज छाया में दोनों आ गए अब सवाल मेरा ट्रिकी छाया सिर्फ किताब होती है कोई टेलीकास्ट हुई है इनकी चीज किताब भी हो सकती है एक चीज पूछे मैं बता मतलब इन दोनों में से एक है एक है फसा लिया लेकिन अपने किताबों का पता बड़ी लिखी हुई वो तो ऑलमोस्ट आप जिस मर्जी पे उठा के देख लो वो शायद अफीदी पे किताब लिखी हुई है ये बंदे को मैं जानता हूँ जो आज मैं भी जानता हूँ बिल्कुल फिर माना जाएगा मैं सच हर की सच्ची बताऊंगा बिल्कुल जानते हैं जानते हैं आप जानते हैं आपके पड़ोसी ने बहुत अच्छे से जानते हैं पड़ोसी पड़ोसी नहीं है मजाक कर रहा हूँ कौन से अच्छा मिजाक वो भी गलत था मिजाक इतना गलत मिजाक आपके पड़ोसी ने सही कह गया हो सकता है तेरा कौन पड़ोसी रहा है जो मर भी गया जो परवेज मुशर्रफ से पहले की ये बातें कर रहा था तब तू पैदा भी नहीं था अपने पैदा होने के बाद वो एक ही नमूदार होते रहे 90 से पहले बहुत हुए ना हां जी 90 से पहले यार वो जो भुट्टो के दौर में जनरल कौन था जी हां था नहीं थे इसकी शक्ल बता रही है वही है वो नहीं है इसकी शक्ल बता रही नहीं कह दे इस मैं जितना इसे जानता हूँ अच्छा हम ऐसे गेस करवा सकते हैं ना हाँ तो आप गेम हार गए जो लगता है वो कसौटी का रूल नहीं है अब अगर आपको लगता है कि ये है आप उनको कंफर्म करने के लिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहे जब आपको कंफर्म हो जाए नाम लेते हैं
उनसे रिलेटेड सवाल क्या पूछे वो उस वक्त क्या थे जनरल जयाउल हक मुझे पता चीफ था आर्मी का पक्की बात है हाँ हाँ पूछ ले आर्मी के चीफ रहे हैं आर्मी के चीफ रहे हैं जी आ जा यस मैं ये बात सुन आर्मी चीफ यस ये अब कितने को चीफ होंगे ये जयाउल हक भी नहीं ये उससे भी पीछे है अब कितने को चीफ होंगे अब कितने को चीफ है ये देखना चीफ पहले ये देख यार मेरा ये पहले ये देख नॉलेज थोड़ा सा इस चीज में हिस्ट्री में कम नहीं चीफ बनता कितने साल के लिए पाँच साल के लिए तो पाकिस्तान बने कितने साल हो गए 73-74 74 साल हो गए तो पहला 14 या 15 लोग हैं पहला चीफ कौन था 14 या 15 लोगों में अब उसमें चीफ कौन था जिंदा कौन है चीफ था वो भी था मुशर्रफ चीफ था मुशर्रफ है उसको छोड़ दे वो अभी लिख लेना मुशर्रफ लिख नहीं है नहीं पता है वो जिंदा इससे मुशर्रफ ये जो अभी आज इससे पहले कौन था बड़ा दलेर आदमी था वो सारे जिंदा हैं छोड़ दे इनको ये निकाल दिए राहील शरीफ कियानी मुशर्रफ आजकल तीन निकल गए अभी एक बाजवा साहब है वो भी जिंदा है हम निकाल रहे हैं ना उनको वो भी निकल गए हम चार निकाल रहे हैं चार हैं दस रह गए अब 10 पे अपन कैसे अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा हूं पाकिस्तान के पहले चीफ रहे क्या मतलब पाकिस्तान के पहले पाकिस्तान बनने के बाद पहले चीफ थे आर्मी वो पहला नहीं होगा फिर जयाउल हक जयाउल हक तो अभी ये 80s में पता नहीं 70s 80s 80s आज नाम ले लेते गेम से आउट हो जाते अपने को इसके बारे में और कुछ पता ही नहीं पता नहीं बनता है हमारी हिस्ट्री बहुत वीक है यार ऐसे इसने गलत रूल रखा है आप पूछ सकते हैं कि देखें आप क्या उनके वैसे बता दें मैम जी जब नहीं जो जो क्वेश्चन है पूछने वाले कि क्या उनके दौर में कोई जंग हुई थी ये अच्छा सवाल ठीक है अब मुझे जंग कब हुई थी यार हम बच्चे छोटे हैं आप पैर की जंग हुई थी वो 70 के बाद हुई थी 74 71 की 65 की अब हमें क्या पता वो किस दौर में थे यार पूरी जनता के सामने अच्छा नाम नहीं लेना लेकिन नाम ले देते हैं कैसे सवाल कितने होंगे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 सवाल हो गए ये भुट्टो दौर में थे भुट्टो दौर से क्या मतलब है जिस टाइम पे जिस टाइम पीरियड में भुट्टो की हुकूमत थी हाँ उस दौर के आसपास ही आर्मी के चीफ रहे जी वही पे कोई किताब या कुछ चीज बनी सुनी है तुमने रोटी खाते थे तुझे ये भी मेरे जैसा महिला मेरे साथ बैठा हम क्या करें हम बेचारे हैं फिल्मों ड्रामों का पूछ लेते यार हमसे कोई रोटी का पूछ हमसे कोई बाइक्स का पूछ कैमरों का पूछ अब सॉफ्टवेयर का पूछ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे मैं तो गलत इन्होंने गाइड का नहीं गलत 10 मिनट की होगी वीडियो कह दे रहे हो लाके अगर हम कह देंगे तो आउट हो जाएंगे अगर हार गए तो आप आउट हो जाएंगे अभी तक आपके ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं यार मसला ये है कि हमें अब और हमें सवाल बथेरे हैं हमें लेकिन पता नहीं हमें अब हम जंग का भी पूछ रहे थे हमें नहीं पता वो ये हमें ज़िया के दौर का नहीं पता कि किस दौर में था अब हम 65 की जंग का पूछ इतना हमारा वीक वो है हिस्ट्री आप कह दो कि जी हाँ 65 की जंग के दौर में था तो हमें ये नहीं पता उसके लिए भुट्टो का दौर कब था 90 से पीछे ही था 71 से लेकर 76 तक 77 तक 1976 में जो है ना और 71 की जिस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश अलहदा हुए थे ना तो उस वक्त भुट्टो का दौर शुरू हुआ था और फिर भुट्टो का दौर शुरू होता है 1976 तक ठीक है 1976 नहीं ये मीसना आदमी है इसने ज्यादा नहीं किया होगा लेकिन हो भी सकता
अगर जेब लगे तो फिर जवाब साहब आपने बहुत इजी बंदा, इसने वो भी तो चुन लिया था ना। मैंने किया चौधरी रहमत अली, आपने पूछा था चौधरी असलम, मैंने पूछा था बुझा हमने था। कैसे यार रमजान, बोर हो रही है वहाँ। सवाल हमारे कितने हो गए जी? ये आपके हो गए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हो गए साइड पे करते। और सो देवलक नहीं, और कौन कौन उस दौर के अंदर, कौन जनरल चीफ, अरे वो क्या था एक जनरल, ये जनरल आया नहीं जनरल, अच्छा उसके दौर में वो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला सीन नहीं हुआ था अलहदा, उसी के उसी उसी के दौर में था उसने, पता नहीं अलग करवाया था। तो है हमारा थोड़ा बहुत नॉलेज इतना का। अच्छा ये बांग्लादेश वाला पूछ, उस जनरल नहीं जनरल उनके दौर में जिस दौर के अंदर वो थे उसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे। नो वीक ही हूं। नो यार बांग्लादेश मैं आ रहा हूँ, उनको नैरो डाउन करते हैं। ज़ियाउल्लाह यार तूने शुरू में पूछा था क्या बला कि डेथ किस तरह हुई थी, वो ज़ियाउल्लाह की तैयारी में उनकी हुई पक्की बात है डेथ शोर, ये तुम्हें पता कि तैयारी में डेथ नहीं, ये जो जिनको आपने जो शख्सियत आपने चूज की हुई है इनके, इन्होंने मार्शल ला लगाया था जी। बस उसमें मार्शल ला 10 साल तक लगाया हुआ इन्होंने हैं अच्छा एक बार मैं बोलता हूँ, तैयारी में डेथ हुई थी मुझे पता था शुरू में पता था। सवाल हो गए मुझे पता था, मैं खुद जान के मैंने कहा ये आउट हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा। 17 क्वेश्चंस पे आप लोग पहुंच गए, अगर तुम कहते पहुंच हमने पीछे, मैं वो तैयारी वाला पहले ही पूछ रहा था, वो पहले हो जाता लेकिन वो स्किप हो गया था ना, पहले 12वें क्वेश्चन पे पहुंच गए थे, उसके बाद आप हैं भी इधर उधर 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 नहीं, हमने कहा ज़ियाउल्लाह साहब हमें इजी आप कर नहीं सकते, हम उस फिर आग में थे ना कि तू जवाब देने का ऑप्शन दे दो, हमें थोड़ा सा ये खुटक रही थी कि तू और उससे पीछे ना कहीं चला गया। के बारे में थोड़ा सा बताऊं जी, जनरल ज़ियाउल हक जो है ना वो इनको अपॉइंट किया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और फिर उसके बाद इनकी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ये एक आज तक जो है ना एक मुम्मा बना हुआ है कि जी किस बात पे फांसी हुई थी, बहरहाल उसी दौर में जो है ना वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्होंने फांसी दी और साथ ही फिर इन्होंने इक्तदार संभाल लिया, ऐसी हुआ दैट्स इन 1978 में इन्होंने इक्तदार संभाला था, और 1988 मेरी पैदाइश तक जो है ना ये अपने इक्तदार में रहे थे, और इनके दौर में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। आज के दौर में भी अगर हमारे पुराने बाबों को अगर आप देखें ना तो वो आज भी जो है ना जनरल ज़िया की मिसालें देते हैं, और दूसरा बाय नेचर ये शख्स बहुत ज्यादा इस्लामिक था, यानी कि इनके बारे में अब न जाने ये अफवाहें हैं या ये हकीकत है, लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको जो है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हुई थी, और इसके अलावा इन्होंने मीना में जहाँ पे हज का जो है ना वो हज परफॉर्म किया जाता है, इन्होंने वहाँ पे दरख्त लगवाए थे, बहुत नेक शख्सियत थे, और इनके दौर में ही जो फांसी वाला फिर सीन है वो जो भुट्टो को फांसी इन्होंने करवाई थी यार, इसे ऊपर ना एक कॉन्स्पिरेसी है आप ये समझ लो, कुछ ख्याल ये है कि वो जो है ना एक दुश्मनी में करवाया गया था, एक जाली मुकदमे के थ्रू करवाया गया था, और कुछ कहते हैं कि वो ठीक था तो, और उस पे अभी पिछले दिनों ही जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने ये पीपल्स पार्टी थी ना इनकी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, सो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि वो फांसी गलत हुई थी, बेसिकली लाहौर से कराची जा रहे थे, और खानेवाल के करीब जो है ना वो इनके तैयारे में धमाका हुआ था, ठीक है, आम की पेटियों में प्लान था, आम की पेटियों में बम रखे गए थे, और कहा यह जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उसी दौर में पाकिस्तान ने PIA ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की, उसी दौर में जो है ना पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्ज़ा भी दिया, इवन उसी दौर में जो है ना वो ज़कात का निज़ाम हुआ, उसी दौर में ये जितने भी पब्लिक इदारे थे ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे, तो ये कहा जाता है कि बैरूनी ताकतों ने लेट डाउन करने के लिए जनरल ज़ियाउल हक के साथ ये हादसा हुआ था।
अच्छा ये बताया लोगों को कि ये गेम हमारी शुरू कैसे हुई है, ये नहीं बताया आपने? नहीं, ये अब आप बताएंगे। ये हम लोग अभी हम सारे कोई 7-8-9 दोस्त हम लोग पिछले वीकेंड एक ट्रिप पे गए थे ऑफ द कैमरा। हमने सोचा कोई व्लॉग नहीं, कुछ नहीं करना, तो उस ट्रिप पे हम यहाँ पे नॉर्थ साइड पे गए थे और एक हमने होटल बुक किया और बड़े मजे से हम रात को लॉन में बैठ के जो है ना वो इस तरह कोई गेम्स खेलते थे, आग जला हाँ आग चला के बॉनफायर हो रहा है और बैठे हैं। एक दिन हमने वो खेली, वो गाने गाने वाली क्या होती है, अंताक्षरी खेली। उसमें कोई इतना मजा, क्योंकि हम में से किसी को भी पूरे गाने नहीं आते, वो कोई हूँ हाँ हाँ करके वो खत्म हो जाती थी। फिर कसौटी बीच में, कसौटी आई पहले हमने शुरू में किया थी बॉलीवुड एक्टर्स, ये वो फारिग तरीन, मतलब हमने एक्टर्स को फारिग नहीं करा, हमने बहुत ही ज़्यादा नोन लोगों को चूज़ किया। उसके बाद समझ आई कि ये गेम का मकसद है एक तरह से नॉलेज आप खुद भी गेन करो और अगले बंदे को भी पता लगे। फिर हमने ऐसे ऐसे बंदे ढूंढ के निकाले कि वो अगले बंदों को उससे बड़ा सीखने को मिल रहा था, हम उसके बारे में सर्च कर रहे थे कि ये बंदा कौन था, इसने क्या किया था। तो इस गेम का असल मकसद है कि थोड़ा सा नॉलेज हो और थोड़ा सा ज़रा फन फैक्ट हो, बस ये एपिसोड जो है ना वो यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हो। एक और बंदा होना चाहिए था आज के एपिसोड में, दो लोग होने चाहिए। एपिसोड लंबी हो जाएगी, आप हो जाइए एपिसोड हम पूछेंगे, ठीक है? नहीं हम नहीं पूछेंगे, ठीक है? ये टैरो चेंज होता रहेगा, किसी दिन इस सीट पे हमजा होगा, किसी दिन फरहान होगा, किसी दिन मैं होगा, उधर एक ही होगा, उधर दो होंगे। सो ध्यान दे तू, उम्मीद करता हूँ कि आपको हम यारों की ये एक छोटी सी काविज पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिए हम तीनों को, और दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह इसी तरह से हमारी दोस्ती को सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।